साहित्य समिति बूंदी द्वारा आयोजित रविवार को कवि व समिति के वरिष्ठ सदस्य आर एन राठौर की चार काव्य संकलनों की पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ। रविवार को हिंदी साहित्य समिति बूंदी द्वारा स्वर्गाश्रम भाव भट्ट व्यायाम शाला जयसागर रोड में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय साहित्य परिषद चित्तौड़ प्रांत अध्यक्ष विष्णु हरिहर शर्मा अध्यक्षता हिंदी साहित्य समिति अध्यक्ष राम स्वरूप मोदड़ा विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय साहित्य परिषद कोटा संभाग अध्यक्ष योगी राज योगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंधक एवं समाज सेवी प्रहलाद गोस्वामी राष्ट्रीय कवि भूपेंद्र राठौर मुख्य रूप से रहे। कवि व हिंदी साहित्य समिति के सदस्य आर एन राठौर द्वारा रचित पुस्तक विरह अंजलि वक्ता की आवाज सुनो भक्तों का भगवान देखकर चलो इन चार पुस्तकों में हर कविताएं रोचक अपनी पत्नी के लिए लिखी गई कविताएं वक्ता के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में लिखी कविताएं विरह अंजलि 1962 संकलन भक्तों के भगवान रामकृष्ण लीला नाली बाई का मायरा का विवरण भगवान के प्रति आस्था कलयुग में भगवान को अपने भक्तों के प्रति आज के परिवेश में अन्याय भ्रष्टाचार पाखंड से बचते हुए देखकर चलने की कविताएं देश और राष्ट्र के प्रति समर्पित दोनों को लेकर लिखित कविताएं राजनीतिक क्षेत्र कार्य कर रहे जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति उदारवादिता भ्रष्टाचार से परे होकर देश सेवा में बढ़ते कदमों के लिए सजग करती हुई कविताएं आदि का संकलन चार पुस्तकों की और देखा जा सकता है। 65 वर्ष में अब तक इन्होंने 1000 कविताएं लिखी और निरंतर इनका प्रयास है। अतिथियों का स्वागत सुरेश साहू महावीर राठौर तरुण राठौर अंचल राठौर अनुराग शर्मा ने किया। कार्यक्रम में व्यायाम शाला के संरक्षक बसंत शर्मा पहलवान अध्यक्ष महेश गौतम शाहपुरा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुनील ओझा आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कवि व साहित्यकारों में पीयूष पाचक पुरुषोत्तम पंचोली चंदू चंद्रकार गिरिराज कसेरा जेपी त्रिपाठी तथा बूंदी शहर के प्रबुद्ध जन आदि उपस्थित रहे। हम करते हर भूल दुदा रहेंगे।
अरे चीन जो तेरा साथ देगा उसको भी मारेंगे। भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी बहुत गुरु थे, कवि थे, हम उनको याद कर प्रदर्शन किया शक्ति शौर्य का। की जगह पाक पर चेक किया होता, पोकरण की जगह पाक पर, तो ये मच्छर नहीं बैठता नाक पर। तो आइए पीयूष जी, शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ सारी की सारी, क्योंकि राठौर साहब हमारे कवि हैं बहुत भारी, क्योंकि राठौर साहब हमारे कवि हैं बहुत भारी, कि अब तक हैट्रिक यानी तिकड़ी लगाते रहे खिलाड़ी अपने अपने खेलों में, लेकिन आज राठौर साहब ने कवि किताबों की चौकड़ी है मारी। राठौर साहब कवि हैं बहुत भारी, इस अवसर पर उन्हें अभिनंदन और शुभकामनाएं हमारी ढेर सारी। जब सारी फिजा तुमको प्यारी लगे, जब सारी फिजा तुमको प्यारी लगे, कोई नशा सा कोई खुमारी लगे, जब सारी फिजा तुमको प्यारी लगे, कोई नशा सा कोई खुमारी लगे, जब होश तुम्हारे जैसे खोने लगे, जब होश तुम्हारे जैसे खोने लगे, तुम जागो जब दुनिया सोने लगे, तुम जागो जब दुनिया सोने लगे, जब देख के आईना शर्माने लगो, जब देख के आईना शर्माने लगो, बेवजह बेबात मुस्कुराने लगो, बेवजह बेबात मुस्कुराने लगो, जब वो आंख नम और होंठ मुस्कुराए, जब वो आंख नम और होंठ मुस्कुराए, एक चेहरा जो हर तरफ नजर आए, एक चेहरा जो हर तरफ नजर आए, कसरत अच्छी नहीं ये सारे आसान है, कसरत अच्छी नहीं ये सारे आसान है, मर्द दिल का इसे कहते प्यार है, मर्द दिल का इसे कहते प्यार है। धन्यवाद। जीव आयर न पाड़ो पोषो करो करियो, जिनकी गोदियां उछलियो कूदियो मोज करियो, उन जामन का गीत सुना तो करो पूरो, जिनका आचर चूख रगा में रगत भयो, उन आयर का गीत सुना तो करो। की जमी आतंक से बढ़ती नहीं है, कि सर फरोशों की जमी आतंक से बढ़ती नहीं है, और आंधियों से मुल्क की असमत कभी मिटती नहीं है, छू न पाएंगे कभी सरकार माथे की लकीरें, और धार गंगा की कभी तलवार से कटती नहीं है, धार गंगा की कभी तलवार से कटती नहीं है, साथी वही जो समय पर साथ दे, साथी वही जो समय पर साथ दे, बात वही की हर सुनने वाला दाद दे, दुनिया में खेल तो अनेक है मगर खिलाड़ी वही जो समय पर बात दे, खिलाड़ी वही जो समय पर। अपने माँ बापों को अपने कंधे पर चारों धाम यात्रा करवाने वाले, पिता के एक वचन पर 14 वर्ष को वनवास जाने वाले, ऐसे पुत्रों की धरा पर ये वर्धाश्रम कौन बना गया, कौन गलत हमें गलत इतिहास सिखा गया, कौन हमें गलत संस्कार सिखा गया, शबरी के झूठे भेद प्रेम से खाने वाले, हर घर से माखन बिना भेदभाव चुराने वाले, देवों की धरती पर छुआछूत कौन सिखा गया, कौन हमें गलत इतिहास पढ़ा गया, कौन हमें गलत संस्कार सिखा गया, कृष्ण सा राजा गरीब मित्र के लिए द्वार तक आता है, कृष्ण सा राजा गरीब मित्र के लिए द्वार तक आता है, कर्ण सा योद्धा अपने मित्र के लिए प्राण देकर जब देखो जिधर देखो बस आग बचा है, मानो ऐसा प्रतीत होता है अब इससे कोई नहीं बचा है, बस आग को देखो, ताज को देखो, या देखो फिर ताज को, कोई नहीं अछूता चाहे देख लो समाज को, हाँ ये कैसा खेल रचा है, सब ओर हाहाकार मचा है, कहाँ गया जियो वो जीने दो, कहाँ गया जियो वो जीने दो, अब तो पियो और पीने दो, पाओ और पाने दो का दो चला है, बस हाहाकार मचा है, हर कोई है इस दौर में शामिल और इस दौर में शामिल, हर कोई है इस दौर में शामिल और इस दौर में शामिल, भाग रहा ऐसे खींच रहा ऐसे, जैसे मेरे ही हिस्से का बचा है, सब हो रहा जैसे कोई जवान शराबी पति क्रोध में आकर चाहे अपने कर्तव्य पराए पत्नी को मारा करता है,
अपनी कर्तव्य परायण पत्नी को मारा करता है। ठीक उसी तरह लाल लाल आगे दिखाता हुआ ये सुंदर ठीक उसी तरह लाल लाल आगे दिखाता हुआ है ये सुंदर अपनी जल्दी किरणों से धरती को मार रहा था। और कहा थी अगला धरा दर्द से पीली पड़ती जा रही थी और कहा थी अगला धरा दर्द से पीली पड़ती जा रही थी कि इतने में ही कर्तव्य परायण पड़ोसी के समान कहीं से बीज बचाव करने एक सेठ केसों वाला बुला पाता। इस लंका को क्या करूं जहां बिछे हैं शूल भगवान मुझको दीजिए अवधपुरी की फूल भगवान मुझको दीजिए अवधपुरी की। हमारे बालक अध्ययन कर रहे हैं ये पहली बार इस महाविद्यालय के प्रथम वर्ष की कक्षा में हम दोनों ने साथ साथ पढ़ते हुए इसी महाविद्यालय में अध्ययन किया मुझे बड़ी प्रसन्नता। प्रोफेसर ने बैंक की ओर राह ली मैंने शिक्षा विभाग की ओर राह ली मैं 41 साल तक बालकों के बीच में रहा और 41 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के बाद मैं अपने आप को क्या करना चाहता हूँ। एक विपत्ति आती है तो दूसरी चली जाती है ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझे एक विपत्ति जाती है दूसरी चली जाती है ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझे वो चाहती है और इसलिए कि मैं आर्थिक लगन जो बाहर होगा कि वो फेवर हुए पाँच इसे भूल जाना कल क्या हुआ है इसे भूल जाना कभी पुष्प जीवन कभी पुष्प जीवन कभी शूल पाना कभी पुष्प जीवन कभी शूल पाना जो भोगा दिखोगे जो भोगा दिखोगे कसौटी पे कसना जो भोगा दिखोगे कसौटी पे कसना गाना है तुमको मगर मूल गाना गाना है तुमको मगर मूल गाना आतुम का सत्ता आभार। और इसके बाद बैंक में भी हम साथ साथ आए हैं और ये मेरे प्रबंधक रहे और मैं इनका हेड कैसे रहा हूँ और बाद में मैं भी अधिकारी बना सब कुछ है और ये मेरे जांच अधिकारी भी रहे इनको मैंने टक्कर दिया। आप सभी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं मेरे सभी चारों अतिथियों से कहूंगी कि वो अपने जितने भी पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं उन सबके लिए इस तरफ स्थान निर्धारित किया गया है अतः सभी पत्रकार महोदय इसी के साथ ही पाएगा माहिरा जो हम सबके मध्य राजस्थान वासियों के मध्य बहुत अधिक प्रचलित है उस संपूर्ण घटना को इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में हम सबको प्रस्तुत किया गया है। जोरदार तालियों के साथ द्वितीय पुस्तक भक्तों के जिनका तो जीवन का बिल्कुल यायावर तरीके का जिसे अपन कह सकते हैं जहां पर पैदा हुए वहां पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण एक मिनट सामने देखो आ गया लगा।
और अभी भावगत अखाड़ा समिति आप सबके सामने श्री रामनारायण जी राठौर का स्वागत कर रही है, सम्मान कर रही है। उन्होंने साफा बंधवा कर और श्री रामचरित मानस भावगत अखाड़ा सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन। सामने देखो ओके 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 क्योंकि ये हमारे वो सामने देखो ले। आशीर्वाद देते हंसती हुई मुस्कुरा रहे हैं। इसी तरह आप समाज की बूंदी जिले के लोगों की और अन्य समाज के लोगों को भी बहुत बहुत आभार। पल भरता है मरना काही को छल करे काही को छलना ये जिंदगी है। झुकना नहीं है साथी, झुकना नहीं है साथी, बढ़ना है आगे ही आगे, अरे बढ़ना है आगे ही आगे। रुक क्यों गए, अरे रुक क्यों गए, ये कैसा पड़ा, ये ऊंची ऊंची घाटियां, इतनी ऊंची तो नहीं रे सपना भी संभव नहीं। रुक क्यों गए, ये जिंदगी ये मंजिल जाएगी कहाँ रे, आएगी एक दिन, मिलेगी एक दिन निश्चित ही। बढ़ना है, रुकना नहीं है साथी, झुकना नहीं है साथी, बढ़ना है आंधी और तूफान में भी रोक ना पाएंगे तेरे कोई पहाड़। बढ़ता रहे, बढ़ना है साथी, रुकना नहीं है साथी। गांव का छोरा पगडंडियों से चलता या सड़कों पर आ गया आपके सामने, खड़ा है आपके सामने ये गांव का छोरा। बोल आएगा फिर दूसरी बात बताऊं, मेरी किताब है वीरांजलि। मैं एक बात बताता हूं, अगर आप वीरांजलि की 17 कविताएं पढ़ ली, पहली चीज तो अगर आपके परिवार में टूटन है, आपके पत्नी पत्नी में बिगाड़ है और आपस में आप लड़ते झगड़ते रहते हो, मैं निश्चित कहता हूं कि मेरी 17 कविताएं पढ़ लोगे तो आपका हाथ से हाथ मिल जाएगा, कभी नहीं छूटेगा। जय भोले। अगर वो पढ़ लिए, वैसे कविता है वो पढ़ लिया तो समझ लो भगवान आपके पास चक्कर काटने आगे। मैं एक बताता हूं, बताता है कि उसके हाथ से खून टपक 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 नीचे गिर गया, उसको परवाह नहीं, बजा रहा है, वो कह रहा है खास मेरी इस वीरंगा की जनकारात में तू अपनी जनकार मिला। क्या कह रहा भगवान से, खास तेरी वीणा, मेरी वीणा की जनकार में तेरी जनकार मिला दे। वो भगवान से मिलना चाहता है। एक नर्स जो कहती कि मैंने कितनों को जिंदगी दी है पर आज मैं मृत्यु से आया हूं, क्या मैं इस वेश में तेरे पास आ सकती हूं। एक सैनिक कहता है मैंने कितनों को गोली से मारा है और मेरे देश की सेवा की है, मेरे गोले लगी है, बोल भगवान क्या मैं इस वेश में तेरे पास आ सकता हूं। ये मेरी वीरांजलि। क्या बना शंकर बना बलारी, दम 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 बजाए नाचे हनुमान। राजा भी आए, रानी भी आए, भर भर
हीरे मोती का थाल ले बाबा, क्या ले? हीरे मोती। शंकर क्या कहते, किस काम के मेरे हीरे मोती, मुझे दे तेरी माता, तेरे लला के दर्शन करा दे। ये मेरे गीत में है, मेरी कविता में है, माँ तेरी लला के दर्शन करा दे। लाविश क्या होता है, जब डंगू की आवाज सुनता है तो वो भी दौड़े आते हैं राम, और खुद देखते कि शंकर डंगू बजाए, डंगू लेकर हाथ में राम बजाने लगे और राम भी नाचने लगे शंकर के साथ, हनुमान के साथ। ऐसा लगा जैसे अवध में विष्णु महेश और विष्णु मतलब तीनों ब्रह्मा, तीनों आंगन देश विदेश सब जगह प्यार दो, प्यार लो और पहराओ देश का तिरंगा, लहराओ देश का तिरंगा, फर फर करते रहे देश का तिरंगा। जय श्री हो रही है, ये इनकी कम से कम मेरे अनुमान से 30-40 साल पुरानी इच्छा थी कि मेरी किताबें मैं लिखूं और उन्हें विमोचन करूं। किताब तो इनका एक माध्यम है सबको बताने का, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो ये किताबों में इन्होंने लिखा होगा मैंने तो भी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं ये बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक सभी समाज सभी धर्म सभी जाति को साधते हुए सभी परिवार की समस्याओं को साधते हुए इन्होंने लिखी होगी। ये मेरी चार पुस्तकें हैं, विरह अंजलि, भक्तों के भगवान, वक्त देख के चलो और वक्त को आवाज़ सुनो, वक्त की आवाज़ सुनो, ये चार हैं उस। और ये बहुत समय से चल रही थी और ये मेरी बेटी की उससे सहयोग से चारों किताबों का विमोचन हुआ है आज, और उसी संबंध में ये कार्यक्रम था। ये वास्तव में जनता के लिए और विद्यार्थियों के लिए ही है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो मेरे भक्तों के भगवान हैं वो आप चाहो तो 7-8 के बच्चों के लिए एक शिक्षा प्रद है, क्योंकि राम के संबंधी कृष्ण के संबंध और नरसिंह जी महाराज जो लिखा हुआ है वो उनको ये तो पता लगेगा कि वास्तव में भगवान क्या चीज़ है। और जो मेरी विरह अंजलि है उसमें भक्त अगर आपने पढ़ ली तो ये समझ लिए कि भगवान आपके आसपास ही घूमते रहेंगे, ऐसी कविताएँ हैं। और जो वक्त की आवाज़ है ये आज के वातावरण में जो देश में है उसमें वो चीज़ लिखी है, मैंने पहले देश है हम बाद में, और ये घृणा ये मजहब ये धर्म ये सब आपको भेदभाव बढ़ाना नहीं सिखाते। प्यार करो, प्यार प्यार के सागर में लगा लो डुबकी, अमर हो जाओगे। हर घर आंगन में प्यार के पौधे उगाओ, क्या शोभित हो उते हर डगर हर नगर हर गांव हर शहर, देश विदेश हमारा तिरंगा फहराए, देश में विदेश में हर जगह लहराए लहराए लहराए, बस प्यार प्यार प्यार। दर्शन जो है आपका अपना विश्वास।